আসসালামু আলাইকুম, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডি টিউবের আজকের আয়োজনে। পুরো ভিডিও জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি হাসানুর ইসলাম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছেন যে 2030 সালের মাঝেই তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে একটি আধুনিক সামরিক বাহিনীতে রূপান্তর করবেন। আমাদের জিডিপি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে সামরিকভাবেও আমাদের যে কোনো দেশ থেকে রক্ষা করার জন্য তৈরি থাকতে হবে। আমাদের সেনাবাহিনীর সামর্থ্য থাকলেও আধুনিক সামরিক অস্ত্রের রয়েছে প্রচুর অভাব। আমাদের প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের সামরিক শাসন চলছে, তারা যে কোনো অজুহাতে বাংলাদেশের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে যে কোনো সময়। এরকম পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীকে 2030 সালের মাঝে পৃথিবীর অন্যতম আধুনিক এবং অ্যাডভান্স সৈন্যতে পরিণত করবেন। প্রায় $50 বিলিয়ন আধুনিক সমরাস্ত্র বাংলাদেশ ক্রয় করতে যাচ্ছে আগামী কয়েক বছরের মাঝে। ভারত ও পাকিস্তানি মিডিয়া এই বিষয়টি নিয়ে অনেক ভয়ে রয়েছে। ভারত বাংলাদেশের এই $50 বিলিয়ন বাজেট ধরার জন্য $500 মিলিয়ন সহযোগের প্রস্তাব দিয়েছে। এ নিয়ে আলোচনা করছে পাকিস্তান। বাংলাদেশ কি এই $500 মিলিয়ন গ্রহণ করবে? আর কি ক্রয় করতে পারে বাংলাদেশ? তা নিয়েই চলছে আলোচনা সমালোচনা। এ নিয়ে কি বলছে পাকিস্তানি সাংবাদিক, চলুন দেখে আসি। और आर्टिकल छपवाया कि विल बांग्लादेश बी अ विक्टिम ऑफ चाइनीज डेट ट्रैप, और इस डेट के अंदर आपने ज़हन में रखना है क्योंकि जो मेन खबर है वो भी लोन के हवाले से ही है। और नाज़रीन इकराम, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर भी आप देख सकते हैं, चाइनीज आर्म्स टू ढाका फेल क्वालिटी एंड लॉन्गेविटी टेस्ट वन आफ्टर द अदर, के चाइनीज जो असला दिया जा रहा है। इस सब के अंदर बांग्लादेश का डिफेंस डे हुआ। बांग्लादेश का डिफेंस डे, जाहिर बात है हर मुल्क का जो भी दिन होता है वो उसके तमाम तर एम्बेसीज और हाई कमीशन में मनाया जाता है। तो इंडिया के अंदर जो बांग्लादेश का हाई कमीशन है वहां पर नाज़रीन इकराम बाकायदा तौर पर ये मामला हुआ, वहां पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, उसके अंदर इनका डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है। और ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि किसी एम्बेसी या हाई कमीशन के अंदर इस तरह से इतनी बड़ी लीडरशिप गई। आप जी न्यूज की खबर देखें, सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विजिट्स बांग्लादेश हाई कमीशन ऑन कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेज डे। और इस सब के अंदर एक और खबर भी आप देख सकते हैं, स्पिरिट ऑफ 1971 लिबरेशन वॉर कंटिन्यूज टू नरिश इंडिया बांग्लादेश टाइज। राजनाथ सिंह ने इस बात का एतराफ किया कि 1971 की जंग के हमारा इत्तेहाद जो है वो आज भी बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात जो है उन्हें बढ़ा रहा है। और इस सब के अंदर जो राजनाथ है उसने एक ढका छुपा पर्दे में रहकर पाकिस्तान पर भी हमला किया। आप ये देख सकते हैं, एबीपी लाइव न्यूज़ इनका अपना है, राजनाथ सिंह्स वेल्ड अटैक, यानी पर्दे में रहकर ढका छुपा अटैक ऑन पाकिस्तान ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। और इसने कहा कि हमें बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की स्पिरिट को अलाइव करना है। और आप ये तस्वीर नाज़रीन इकराम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि इनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मौजूद है, इनका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल नरवाने मौजूद है, बिपिन रावत मौजूद है, राजनाथ मौजूद है, और ये सब लोग यहां पर गए। इस सारे के सारे मामले के अंदर नाज़रीन इकराम, डिफेंस मिनिस्टर इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो है उस पर एक ट्वीट आता है, इंडिया इज एक्सटेंडेड अ लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ $500 मिलियन टू बांग्लादेश फॉर डिफेंस इक्विपमेंट। जो है उसने पत्ता फेंका है, वो बांग्लादेश को एक सॉफ्ट लोन, लाइन ऑफ क्रेडिट जो होती है कि जो आप किस्तों में वापस कर सकते हैं, ये सॉफ्ट लोन इंडिया देने जा रहा है बांग्लादेश को। और इंडिया ने ऐलान किया है कि आप अपना डिफेंस इक्विपमेंट खरीदें, आप 2030 का जो गोल्स हैं अपने वो पूरे करें। ये 500 मिलियन इतनी बड़ी रकम तो नहीं है बांग्लादेश के इन गोल्स को अचीव करने के लिए, लेकिन इंडिया ने ये एक बड़ी रकम जो है ये बांग्लादेश को देने का है। प्रिय दर्शक, আমাদের চেষ্টা থাকবে এটাই, বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো আপনাদের কাছে সবার আগে তুলে ধরা আর আপনাদের কাছ থেকে অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রত্যাশা করা। প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথচলায় আপনাদের সহযোগিতা অনেক বেশি প্রয়োজন। আর তাই ভিডিওতে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে আমাদের এই পথচলায় আপনিও পাশে থাকুন। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডি টিউবের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।